हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वुमेन्स रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो टॉपिक है, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी इन डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वुमेन प्लेड अ वाइटल रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वुमेन्स ने पूरे वर्ल्ड के जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुआ था सब में बहुत बढ़ चढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्या क्या किया, कैसे किया, उनको राइट मिला या नाम नहीं मिला, ये सब के बारे में आगे देखेंगे। दे पार्टिसिपेटेड इक्वली मोस्टली इन एवरी मूवमेंट। तो सारे मूवमेंट में उन लोगों ने, वुमेन्स जो थे वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लिबर्टी इज पर्सनिफाइड एज अ वुमेन। इसका मतलब क्या है कि लिबर्टी जो एक है वर्ड, लिबर्टी जो एक वर्ड है जो मीनिंग है, जिसका मीनिंग होता है फ्रीडम। ठीक है, तो लिबर्टी को जो एक पर्सनालिटी दी गई थी, जो इमेजिनरी पर्सनालिटी दी गई थी, वो भी एक वुमेन की दी गई थी। ठीक है, हर जगह में एक वुमेन थी जो थी, उसको एक लिबर्टी के तौर पे देखा जाता था, इमेजिन किया जाता था। तो वही इसका मतलब है, लिबर्टी इज पर्सनिफाइड एज अ वुमेन। और लिबरल नेशनलिज्म प्रपोज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज का मतलब मैंने बताया था कि राइट टू वोट, राइट टू वोट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है, लिबरल नेशनलिज्म जो एक आइडिया प्रपोज करता था वो भी क्या था, यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि सबको राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। अब देखो वुमेन्स ने किया क्या क्या, वुमेन्स ने क्या किया, दे फॉर्म मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन किए। दे फाउंड मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो उन्होंने क्या क्या फॉर्म किया, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, ग्रुप बनाए, न्यूज़पेपर्स चालू किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्ट लिए, ये सब उन्होंने किया। तो द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे फेमस जो एग्जाम्पल था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जिसमें वुमेन जो थी वो इक्वली पार्टिसिपेट किए एज मैन, है ना। फिर ऑन 1848 जब क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था, उस समय क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। द कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वॉज रेज्ड। मतलब कि जो वुमेन का जो पॉलिटिकल राइट को एक्सटेंड करने का जो एक इशू था, मतलब कि उनके पॉलिटिकल राइट को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो वो जो इशू था वो कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था, तो उसको वो रेस किया गया पार्लियामेंट में कि ये भी एक इशू है, इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। स्टिल वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली एंड दे वर एडमिटेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ओनली एज स्पेक्टेटर्स। इसका मतलब क्या है कि ये रेज करने के बाद भी उनको सफरेज राइट नहीं मिला उस पार्लियामेंट में, और उनको एक स्पेक्टेटर के तौर पर रखा गया वो पार्लियामेंट में, उनको सिर्फ एक स्पेक्टेटर बना के रखा गया साइड में, उनको कोई भी राइट नहीं था कुछ बोलने का या कुछ भी इशू रेज करने का। तो एक जो एजुकेटेड वुमेन थी जिनका नाम था डेल्फिन डे ग्रैडिंग, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपने वर्ड्स दिए। तो क्रिटिसाइज़ उन्होंने क्या बोल के किया, बाय सेइंग दैट इफ सर्वेंट्स डूइंग द हाउस होल्ड वर्क वर ग्रांटेड द राइट टू वोट, देन वाई नॉट वुमेन हु आर मदर्स हाउस वाइफ्स मैनेजिंग एवरीथिंग एट होम। तो उन्होंने कहा कि जब एक काम करने वाले सर्वेंट को, लेबर को राइट टू वोट मिल सकता है, तो एक वुमेन को क्यों नहीं मिल सकता जो सब काम करती है, सब चीज़ मैनेज करती है। तो ये बोल के उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद भी वुमेन को बहुत ही कम राइट मिले या एक भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिले टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक उन्होंने उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसमें वुमेन्स मीटिंग कर रही हैं या ग्रुप कर रही है या न्यूज़पेपर वो पढ़ रही हैं, और ये जो है डेल्फिन डे ग्रैडिंग का फ़ोटो है जिन्होंने एक बहुत लीडर का रोल पे किया वुमेन्स में, है ना। तो ये था शॉर्ट नोट जो कि फुली बेस्ड है एनसीईआरटी पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।